दोस्तों आजकल बारिश यानी कि मानसून के दिन चल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम कपड़े फैलाते हैं अचानक से काले काले बादल घिर कर आते हैं और जोरों की बारिश होने लगती है। कपड़े हम फैला तो देते हैं लेकिन बार बार छत से लेकर आना या फिर उसको कपड़ों को उतार कर घर के अंदर लेकर जाना, ऐसे टाइम पर हम लेडीज़ को बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो क्यों ना कपड़ों को घर के अंदर ही सुखाया जाए या फिर घर के बाहर भी सुखाना है तो आप एक ऐसे जुगाड़ से इनको सुखाइए जिससे कपड़ों को बस आपको एक बार हल्का सा उठाना है और घर के अंदर लेके चले जाना है, आपको इसमें परेशानी भी नहीं होगी। तो आज ये जो जुगाड़ है ये मैंने अपने लिए बनाया, यानी कि अपने घर में इस्तेमाल के लिए बनाया और ये वीडियो आज मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों ये जो जुगाड़ है ये मैं बनाऊँगी इस तरह के डिब्बे से, यानी कि जो फिनाइल का डिब्बा आता है हमारे घर में, या फिर अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉटल है जो थोड़ी सी मोटी है, हैवी बॉडी की है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी बॉटल का इस्तेमाल ना करें नहीं तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह की कोई मोटी बॉटल हो जिसमें फिनाइल आता है, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की ऐसी बॉटल हो जो काफ़ी बड़ी हो, या पानी की बॉटल जो बड़ी आती है 5 लीटर वाली, उस तरह की बॉटल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटल लेने के बाद मैंने गरम किया है नाइफ और ऊपर से थोड़ा पार्ट छोड़ते हुए, यानी कि जो राउंड पार्ट है उसके बाद भी 2 लाइन मैं छोड़ रही हूँ, उसके बाद से हम यहाँ पर लगाएंगे कट। कट ऐसा लगाना है कि चारों ओर से बॉटल को हमें अलग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, और जो नाइफ जब हम गर्म कर लेते हैं तो इस तरह से प्लास्टिक के जो बॉटल की कटिंग होती है वो बहुत ही ईजिली हो जाती है। ऐसे आप प्लास्टिक के कटर से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं नाइफ को गर्म करके कर रही हूँ और इसको कटिंग करना बहुत आसान होता है। ये देखिए, और कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बॉटल वाला जो आइडिया है दोस्तों बड़े ही कमाल का है, बहुत ही ईजिली आप इस चीज़ को घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। ये देखिए, बॉटल को हमने इस तरह से हाफ में कट कर लिया है। ये जो ढक्कन है इसको भी अलग आप हटा दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये पार्ट जो है हमारा अलग हो गया है, अंदर से अगर थोड़ा दबा हुआ है तो हाथों से मैं इसको सही कर लूँगी। अब इसके बाद से मैंने नाइफ को वापस से थोड़ा गर्म किया है और नीचे का जो पार्ट है उसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं जिससे ये हमारे हाथों में ना लगे। अब जैसे थोड़ा सा हल्का सा गलत कट लग गया है तो उस प्लास्टिक के पार्ट को भी मैं कट करके अलग कर दूंगी जिससे ये हमारे हाथों में ना चुभे। तो इस तरह का कोई पार्ट हो तो उसको निकाल कर अलग कर दीजिए, बहुत ही हल्का सा स्मूथ कर लेना है और ये हमारा ऊपर का एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। नाइफ गर्म करके करते हैं दोस्तों तो ये काम आसान होता है, वैसे आप प्रेस को गर्म करके भी ये वाला काम कर सकते हैं। देखिए कुछ यूँ इस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। अब जो इसके नीचे वाला पार्ट है इसके बारे में मैं बता दूँ तो इसके साथ मैं एक बहुत ही और अच्छी सी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका इस्तेमाल हम कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद से हमें लेना है एक पेचकस, पेचकस को गर्म करना है जिससे हम बॉटल के यानी कि ये डब्बा है जो है इसके इस पार्ट में छोटे छोटे होल कर सकें। होल जो मैंने किए हैं तो वो लगभग 12 से 15 होल बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कुछ यूँ इस तरीके से, जैसे ही हम पेचकस को गर्म करेंगे तो होल बहुत आसानी से हो जाता है। हल्का हल्का घुमाते हुए करेंगे हाथों को बचाते हुए, क्योंकि एक तो पेचकस ऊपर से गर्म तो अगर ये हमारे हाथों में लग गया तो हमें नुकसान हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से एक लाइन के जस्ट ऊपर सारे में छेद कर लूँगी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से होल करके रेडी कर लिए हैं, तो कुल 15 से 16 होल हुए हैं। अब ये होल तो बन गए दोस्तों, लेकिन इसके बाद इसका क्या करना है चलिए देखते हैं। अब जो है हमें चाहिए होगी डोरी, इस तरह की प्लास्टिक डोरी हम सबके घर में होती है। अगर ऐसी प्लास्टिक की डोरी नहीं है तो आप कोई सी भी मजबूत जो डोरी घर में होती है कॉटन की या फिर किसी और तरीके की अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डोरी का एक छोटा सा पार्ट कट किया है, उसके बाद से हमारे पास होते हैं कपड़े वाले क्लिप, जो हम कपड़े के क्लिप्स रखते हैं वो क्लिप हमें कुछ चाहिए होंगे। तो कपड़े के क्लिप में हम नीचे वाले छेद में इस तार को डालेंगे और इसका एक पार्ट हम अपने डालेंगे बॉटल के एक छेद में, और उसके बाद से यहाँ पर लगा दीजिए गांठ। 2 बार लगाते ही ये हमारा गांठ बहुत अच्छे से लग जाता है। क्योंकि मैंने लिया है प्लास्टिक का तार तो गांठ लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आप नॉर्मल सॉटन वगैरह का रिबन लेंगे तो उसमें आपको 3 से 4 गांठें लगानी पड़ सकती हैं। तो इसी तरीके से हम जितने होल्स हैं उन सब में पिन के साथ इस डोरी को बांध कर अपना ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको दूसरा भी करके दिखाती हूँ कि इस होल से हमें इस तार को निकालना है और दूसरे साइड से जो कपड़े वाली क्लिप है उसको इस तरह से पिरो दीजिए और बस यहाँ पर लगा दीजिए गांठ। जो कपड़े वाली क्लिप आप लेंगे उसमें नीचे यहाँ पर गांठें होनी चाहिए। तो इस तरह की क्लिप मार्केट में ईजिली मिल जाती है और अगर आपके पास ऐसी क्लिप पहले से है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ यूँ इस तरीके से हमने इसको लटका दिया है। अब सारे होल्स में मैं क्लिप को लटका कर तैयार कर दूँगी।
तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आधा वीडियो तो समझ ही आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया है। मैंने बनाया है दोस्तों कपड़े टांगने वाला वो क्लिप, वो ऑर्गेनाइज़र जो मोस्टली हम लेडीज़ घर में रखती हैं या फिर ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, पर मैंने इसे बनाया है पुराने बॉटल से जुगाड़ करके। मैंने चारों तरफ अच्छे से सारे क्लिप्स को लटका दिया है। उसके बाद से इन क्लिप्स में हम अपने कपड़ों को लगा देते हैं। अब जो कपड़े आपको लगाने हैं छोटे बड़े आराम से एकदम ईजी वे में लगाइए। ये बॉटल बहुत ही अच्छे से पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कपड़े अगर भारी लगा दिए हैं तो बॉटल सरक के गिरेगा। बॉटल के ऊपर वाले पार्ट में आप कोई डोरी बांध दीजिए, या आपको घर के बाहर डालना है तो किसी डोरी में बांध के आप इसको अपने कपड़े वाली डोरी में लगा सकते हैं, या फिर आपके घर में कहीं पर छड़ रॉड वगैरह निकली हुई है जहाँ पर आप कुछ टांगते हैं तो वहाँ पर भी इस ऑर्गेनाइज़र को आप टांग कर कपड़ों को सुखा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर भारी कपड़े भी लटकाए हैं, मोटी टॉवल भी लटकाई है, साथ ही ब्लाउजेज हैं, टॉपर्स हैं और हैंकी है, छोटे बड़े हर तरह के कपड़े लटकाए हैं। और आपको इसको देख कर लग रहा होगा कि कहीं से भी ये ना ही झुक रहा है, ना ही बेंड हो रहा है, ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर से आप घर के बाहर भी कपड़े सुखा सकते हैं, घर के अंदर भी सुखा सकते हैं। अगर आप घर के बाहर सुखा रहे हैं, बारिश आ जाती है तो फटाफट से इसको उठा कर ले आइए, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, और घर के अंदर कहीं पर भी टांग दीजिए। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस तरीके से बनाकर इस बारिश के दिन में अपने कपड़ों को सेव जरूर करिएगा। वीडियो में आगे दो छोटी छोटी टिप्स और भी मैंने शेयर की हुई हैं, उनको भी चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों वो किसी तरह की बुक को लेकर है। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि जब हम बुक पढ़ते हैं या फिर हमें बुक को बीच से पढ़ते हुए अधूरा छोड़ना पड़ता है, तब उस टाइम पर क्या होता है कि या तो हम बुक के पन्ने मोड़ कर रख देते हैं या फिर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इसे खोजते रहते हैं कि हमने बुक को कहाँ पर पढ़कर छोड़ा हुआ था। पर जो पन्ने हम मोड़ते हैं वो देखने में बुरे लगते हैं, साथ ही ये बुक भी खराब हो जाती है। ऐसे टाइम पर एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं बुकमार्क के लिए कि हमारे घर में जो पुराने की होती है यानी कि जो पुरानी चाबियां होती हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। कोई भी पुरानी की ले लीजिए जिनका आप आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी हो चुकी है, उस की को आप अपने बुक में रख सकते हैं बुकमार्क के तौर पर। इस तरीके से जहां पर भी आपने बुक को पढ़कर छोड़ा हुआ है वहां ये की लगा दीजिए और बस बुक को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने आएंगे तो ये बुकमार्क आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से हम अपनी पुरानी चाबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों वो है इस तरह के सीजर्स को लेकर। जब सीजर्स की धार खत्म हो जाती है तो हमें इसे लेकर बाहर जाना पड़ता है, पर सीजर्स की धार को तेज करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई पेचकस ले लीजिए और पेचकस को आप इसे चाकू से कट करने की कोशिश करिए। मतलब इस पर चाकू की धार जो कैंची की धार है वो जो है आप लगाने की कोशिश करिए। इस तरीके से होगा ये कि जो हमारा सीजर है उसकी धार बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। घर में जितने भी सीजर्स हैं आप उनको इस तरह से पेचकस को मतलब काटने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही आप 30 से 40 सेकंड या एक मिनट तक ये प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीजर की धार है वो कितनी बढ़िया तरीके से तेज हो जाती है। साथ ही हमें सीजर को मार्केट लेकर भी नहीं जाना पड़ता। होप करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।